नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी फाइंड में। मैं हूँ आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, कल वाले वीडियो में हम लोग जो है सेट नंबर 24 को देखे थे, जी हाँ फ्रेंड्स, और आज हम लोग जो है सेट नंबर 25 को देखने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी जो है मैं आप लोग के लिए जो है कुल 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, इसमें कह रहा दोस्तों, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग को जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जो है 5 सेकंड के अंदर ही जो है आंसर को गैस कर लेना है। तो विश्व वेटलैंड दिवस जो है दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। जी हाँ फ्रेंड्स, इसने जो है इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP की सिफारिश किसके द्वारा किया जाता है? तो MSP की जो है सिफारिश दोस्तों वह कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें करा दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो कपास उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? आप लोग को जो है आंसर गेस करना है। तो कपास उगाने के लिए जो है सबसे अच्छी मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी पर जो है कपास काफ़ी अधिक मात्रा में उगते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुराने पत्थर की संरचना है और इसे मौर्य राजा अशोक द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों, इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्तूप का नाम प्रसिद्ध विद्वान और परंपरावादी महायान बौद्ध धर्म के नाम पर रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन कोंडा स्तूप। नागार्जुन कोंडा स्तूप जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश में मैग्रोव कवर का अधिकतम प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों, इसमें कह रहा है, दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे अधिक कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कतर में। कतर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे अधिक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो अर्जेंटीना का जो है राष्ट्रीय पशु वह है प्यूमा। कौन है? प्यूमा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा प्यूमा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा दोस्तों, रोग जनकों द्वारा संक्रमण का विरोध करने के लिए एक जीव की क्षमता को डैश कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी क्षमता अर्थात रोग प्रतिरोधक शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अजंता और एलोरा की गुफा जो है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों, इसमें कह रहा है, रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को जो है इसका आंसर जानकारी में होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि रोलैक्ट एक्ट जो है दोस्तों 10 मार्च 1919 को जो है पारित किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा दोस्तों, कौन सी नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन।
तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि दामोदर को जो है बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, वह करेक्ट आंसर होगा। और बिहार का जो है शोक नदी कौन सा है, वह है कोसी। बिहार की शोक नदी जो है वह कोसी है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर इसमें कर रहा है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो वह है मतलब कहाँ पे है, कोपेनहेगन में है। कहाँ पे है? कोपेनहेगन में है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोपेनहेगन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर इसमें करा दोस्तों, इनमें जो है दोस्तों कौन सा यानी कि टेली कम्युनिकेशन डिवाइस है, आप लोग को बताना है कि कौन सा जो है दूर संचार उपकरण है इन चारों ऑप्शनों में से। तो मॉडेम जो होता है यह टेली कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, मॉडेम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों, इसमें कह रहा दोस्तों, वह सॉफ्टवेयर जो विदेश पूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने या हटाने के लिए उपयोग किया जाता है जो कंप्यूटर में फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीवायरस। एंटीवायरस जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है, रोम जो एक उपयोगकर्ता द्वारा केवल एक बार संशोधित हो सकती है, उसका क्या नाम है? तो वह है दोस्तों पी रोम। कौन है, कौन सा रोम है? पी रोम। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर इसमें कर रहा दोस्तों, बेकरेल वह किसकी इकाई है? तो रेडियो धर्मिता की जो है इकाई है कौन है? तो वह है बेकरेल। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, बेकरेल अति रेडियो धर्मिता। चलिए वो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों, इसमें कह रहा दोस्तों, वास्तविक छवि मतलब कि रियल इमेज जो है उस टाइम बनती है जब प्रकाश किरणें आपतित होकर किसी एक बिंदु पर गिरती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या दर्शाता है? तो अंगूठा जो है दोस्तों वह बल दर्शाता है। अंगूठा क्या दर्शाता है? अंगूठा बल दर्शाता है। और तर्जनी उंगली जो होता है, तर्जनी उंगली यह जो है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। और मध्यमा उंगली जो होता है दोस्तों, मध्यम उंगली यह जो है दोस्तों धारा की दिशा को दर्शाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वह करेक्ट आंसर होगा, बल। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर इसमें कह रहा दोस्तों, एमिटर इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे जुड़ा हुआ होता है? तो अमीटर जो होता है दोस्तों, अमीटर वह जो है श्रृंखला यानी कि सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा दोस्तों, लुब्रिकेंट्स जो भारी मशीनरी के सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग की जाती है, वह किससे बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम की बनी होती है लुब्रिकेंट्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर इसमें कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट जो है आवर्त सारणी के समूह दो से संबंधित है? कौन सा एलिमेंट है? तो वह जो है दोस्तों एलिमेंट है मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है दोस्तों यह आवर्त सारणी के समूह दो से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, मैग्नीशियम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर इसमें कह रहा दोस्तों, लिथियम और बेरिलियम के बीच किस तत्व में जो है उच्च परमाणु त्रिज्या होती है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि लिथियम में जो होती है, लिथियम में उच्च परमाणु त्रिज्या होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिथियम में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर इसमें कह रहा दोस्तों, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बीच किस एलिमेंट में जो है उच्च परमाणु त्रिज्या होती है? इस बार आप लोगों से जो है इनकी पूछ रहा है मैग्नीशियम और कैल्शियम में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम में जो है दोस्तों उच्च परमाणु त्रिज्या होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर इसमें कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंसू में नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईजीई जो होता है दोस्तों यह आंसू में नहीं पाया जाता है। बाकी आईजीए, लाइजोजोम, लाइसोजोम यह जो है सभी आंसू में पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है दोस्तों साइटो किंग्स का नाम बताएं जो वायरस के संक्रमण की प्रतिक्रिया में जारी किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनो किंग्स। क्या होगा करेक्ट आंसर? मोनो किंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों यह बायोगैस का घटक नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है दोस्तों हमारा हृदय एक मिनट में जो है कितनी बार धड़कता है? आप लोगों को जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करना है दोस्तों, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कौन सा महीना जो है पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर माह को जो है दोस्तों हम लोग पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य बनना बंद कर देगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कतर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है दोस्तों सचिन तेंदुलकर के बचपन के क्रिकेट कोच का मुंबई में निधन हो गया, निम्नलिखित में से वह कोच कौन थे? तो उस कोच का नाम था दोस्तों रामाकांत आचरेकर जो थे, इसका हाल ही में निधन हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों, इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना शेख सलीम चिश्ती के आभार के रूप में की गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फतेहपुर सिकरी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है शब्द पारिस्थितिकी 1866 में गढ़ा गया था, किसके द्वारा यह जो है पारिस्थितिकी गढ़ा गया था? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि पारिस्थितिकी जो है दोस्तों वह अर्नस्ट हेकले के द्वारा जो है गढ़ा गया था, अर्नस्ट हेकेल के द्वारा। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का जो है सिद्धांत दोस्तों डार्विन ने दिया था। कौन दिया था? डार्विन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों, इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या में टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सबसे अधिक जो है दोस्तों टाइगर रिजर्व वह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है दोस्तों हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप भगवान बुद्ध के श्मशान स्थल पर बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामभट स्तूप जो है दोस्तों यह भगवान बुद्ध के श्मशान स्थल पर बनाया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला की नागर शैली का घटक है? नागर शैली का घटक कौन सा है दोस्तों? तो वह जो है मंडप भी है और गर्भगृह भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा दोस्तों खो खो में एक टीम में जो है खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? खो खो में जो होती है एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितना होती है? 9 खिलाड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों, इसमें कह रहा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा ग्रह वह है बृहस्पति है, और सबसे छोटा जो है ग्रह वह बुध है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है दोस्तों बुध ने किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बुध ने जो है
अपना आत्मज्ञान वह बोध गया में प्राप्त किया था। ठीक है, बुद्ध को जो है बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, उन्होंने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। बुद्ध का जो है इनकी जन्म कहाँ हुआ था, तो वह जो है दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा दोस्तों ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ONGC का मुख्यालय, ONGC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्या होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है दोस्तों उत्तराखंड है। कहाँ पे है, उत्तराखंड, उत्तराखंड के देहरादून में जो है इसका मुख्यालय, देहरादून में है इसका मुख्यालय ONGC का मुख्यालय। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है दोस्तों थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों थॉमस कप जो है दोस्तों यह बैडमिंटन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा उपयोग नहीं किया गया था, उपयोग नहीं किया गया था। तो वह है दोस्तों चूना पत्थर का जो है, चूना पत्थर का उपयोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं किए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो यहां दिया हुआ है चिकनी मिट्टी, लाल पत्थर और पीतल जो है इसका उपयोग किया हुआ था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की और, इसमें कह रहा दोस्तों साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों साक्षी मलिक जो है वह पहलवान मतलब इनकी कुश्ती खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुश्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों, इसमें कह रहा दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है। तो भारत का जो है सबसे प्राचीन बांध वह है कल्लई बांध। वह कौन सा है दोस्तों, कल्लई बांध कहाँ पे स्थित है। तो कल्लई बांध जो है दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में जो है कल्लई बांध स्थित है। और टिहरी बांध जो होती है दोस्तों, यह भारत की सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर दोस्तों, इसमें कह रहा है पहली बार पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले कुत्ता का नाम क्या है। आप लोग को जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है जानकारी साझा करने के लिए बड़े क्षेत्र में फैले विभिन्न कार्यालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के रूप में जाने जाते हैं। तो वह जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, WAN वैन। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है 1 मिलियन बाइट्स यानी कि 10 लाख बाइट का सामान्य नाम क्या है। तो ऐसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, ऐसे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 1024 बाइट जो होता है यह 1 KB के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हमको जो है मात्र 1000 ही मानना पड़ेगा। 1000 बाइट जो है यह 1 KB के बराबर होगा। हम यहाँ पर 1000 इसलिए माने क्योंकि जो है काटने में आसानी होगा, इसलिए दोस्तों 1 बाइट जो होगा वह 1/1000 KB के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कह रहा है 10 लाख बाइट। तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 10 लाख यानी कि 10 लाख बाइट जो होगा दोस्तों यह 10 लाख ऊपर में जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 10 और होगा 1/1000 कर देंगे। काटने के बाद जो है दोस्तों यह आ जाता है 1000 KB। 1000 KB जो होता है दोस्तों वह 1 MB के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगाबाइट, यानी कि 1 MB हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से आज शाम 7 बजे आप लोग के लिए लाइव क्लास लिया जाएगा। आप लोग जो उस लाइव क्लास में ज़रूर भाग लें।